छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने अंबिकापुर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के निर्माण का भूमि पूजन किया, जिससे स्थानीय लोगों को इलाज के लिए रायपुर या अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जारी है। करीब 12,64,00,000 रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण होना है। इस हॉस्पिटल के बन जाने से सरगुजा संभाग के साथ साथ पूरे राज्य और आसपास के राज्य के लोगों को भी काफी फायदा होगा। ये CCHB क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण होना है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, आज टेंडर की भी स्वीकृति हो गई। 12,64,00,000 लगभग राशि का टेंडर होना है और उच्च गुणवत्ता की इमरजेंसी केयर के लिए ये सुविधा रहेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासी और साथ ही देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी। होली की शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत बधाई और खुशी का त्यौहार, सौहार्द का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार। सब कोई अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। किस तरह से रंग चढ़ेगा लगता है होली में, क्या लगता है आपको? कई रंग चढ़ रहे हैं, कई लोग कहीं जा रहे हैं, कई लोग कुछ बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी होली में, और देखिए आगे क्या क्या होता है। कह रहे थे आप उतना रुक जाता हूँ वो आप संदेश सुना दीजिएगा।